हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है प्रसाद। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन बनने वाला प्रसाद आज हम बनाएंगे, काले चने, हलवा और पूरी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसमें हमने लिया है अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, जीरा, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक और चने। चने को हमने पूरी रात भिगो कर लिया है। और हलवे के लिए हमने लिया है शुगर, गरम किया हुआ दूध एक कटोरी, और सूजी और घी, और बादाम, काजू और किशमिश, और पानी। और पूरी के लिए हमने लिया है नमक और गेहूं का आटा लिया है, और पूरी को तलने के लिए हमने तेल लिया है। पूरी में हम और कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ नमक ही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चने को पकने के लिए रख देंगे। एक कुकर में हम चने ऐड करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और एक पूरा ग्लास और एक आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, जितना हमें चने के लिए चाहिए उतना ही पानी हम ऐड करेंगे। चने को हमने पूरी रात भिगो के रखा था इसलिए ये जल्दी से पक जाएंगे। कुकर में हम 3 सीटी आने तक पकाएंगे। इसको हम गैस पे रखेंगे, जब तक 3 सीटी आती है तब तक हम हमारा आटा गूंद लेंगे। तो आटे को गूंदने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, और नमक मिलाएंगे इसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम हमारा आटा गूंद लेंगे। और आटा हम नॉर्मल से थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे, जो हम रोटी के लिए गूंदते हैं उनसे थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, ताकि जब हम पूरी बनाएं तो हमें सूखे आटे की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने आटा गूंद लिया है, हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे अच्छे से मसल के। इसको हम ढक के साइड पे रख देंगे। हमारे कुकर में 3 सीटी हो गई है, इसको हम नीचे उतार लेंगे। कुकर ठंडा होता है तब तक हम हलवा बना लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा घी ऐड करेंगे, पूरा घी हमने ऐड नहीं किया है। घी जैसे गर्म होता है इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। पहले ड्राई फ्रूट फ्राई करने से क्या होगा कि हमारे ड्राई फ्रूट जो है एकदम क्रंची हो जाएंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम सूजी लिया है। सूजी हमारा सूखा सूखा है इसलिए हमारा जो घी बचा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तब तक चलाते रहना है जब तक हमारी सूजी एकदम ब्राउन ना हो जाए। इसका रंग एकदम ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तब तक इसको हमें चलाते रहना है। हमारी सूजी एकदम ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन की। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो फूल के अच्छी सी पक जाए, और दूध ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम शुगर ऐड करेंगे ताकि दूध और पानी के साथ एकदम घुल जाए। इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये एक्स्ट्रा जो पानी है वो सूजी एब्जॉर्ब ना कर ले, और हलवे जैसा सूजी जब बन जाए तब हम इसको नीचे उतार लेंगे। एकदम हलवे जैसा टेक्सचर आ गया है हमारी सूजी का। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे इसमें। और थोड़े से हम बाद में ऐड करेंगे। हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। इसको हम शीरा भी बोलते हैं। हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है। अब हम चने का मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे गर्म होता है, इसमें हम सबसे पहले जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। अदरक और हरी मिर्च हमने लंबी लंबी पतली पतली काटी है। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। मिर्च और अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए ताकि ऑयल में इसकी खुशबू बैठ जाएगी। इस अब हमने हल्दी भी ऐड कर ली है। ये सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने हम पानी के साथ ही इसको ऐड करेंगे, हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं निकाला है। और चने में हमने पहले से ही नमक ऐड किया था, इसलिए हम दोबारा थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। अब हम सभी मसाले ऐड कर देंगे। हमने नमक ऐड कर लिया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, सभी मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसे ही धीमी आंच पे रख देंगे। जब तक एक चने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले तब तक इसको हम गैस पे रखेंगे। इससे क्या होगा कि चने और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चने भी एकदम पक जाएंगे। अब हम तेल को गरम करने के लिए रख देंगे पूरी के लिए। जब तक तेल गरम होता है तब तक हम हमारी पूरी बना लेंगे। तो हमारा आटा अच्छे से रेस्ट ले चुका है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है। इसमें से हम छोटे छोटे लुए बनाएंगे और पेड़े जैसा आकार देख के इससे हम पूरी बनाएंगे। हमने सूखा आटा नहीं लिया है, हम ऐसे ही पूरी बना रहे। अगर आपकी पूरी थोड़ी चिपक रही है तो आप इसके चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। एक ही साइज की हम सारी पूरी बना लेंगे, एक ही साइज की हम पूरी बनाएंगे। तो हमारी पूरी बन के रेडी है। हम चने को चेक कर लेंगे। चने में भी सारा पानी ख़त्म हो गया है। अब चने के अंदर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद चने को हम नीचे उतार लेंगे। हमारा चना बन के रेडी है। इसको हम नीचे उतार लेंगे और चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा आटा ऐड करके देख लेंगे कि तेल गर्म है कि नहीं। तो हमारा तेल एकदम गर्म है पूरी के लिए। अब इसमें हम पूरी ऐड करेंगे। पूरी को हमें दोनों ओर से पलट पलट के अच्छा सा ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम सारी पूरी ऐसे ही तल लेंगे। हमारी पूरी बहुत ही अच्छी बनी है।
नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन जब भंडारा लगता है तब यही प्रसाद बनाया जाता है, चना, हलवा और पूरी। गणेश चतुर्थी के दिन भी जब गणपति विसर्जन होता है तब भी भंडारे में चना, हलवा और पूरी बनता है। तो सारी पूरी हम ऐसे ही तल लेंगे, बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। तो हमारा प्रसाद बन के रेडी है, हलवा, चना और पूरी। चने में हम धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर देंगे। आप भी अष्टमी नवमी के दिन ये भंडारे वाले प्रसाद को बनाना चाहिए तो ज़रूर बनाइएगा। तीनों प्रसाद हम प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। चने भी हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, इसमें कोई भी ग्रेवी नहीं है, एकदम सूखे सूखे से बने हैं। और हलवा भी हमारा एकदम खिला खिला सा बना है, जो एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट हमने बचाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे अभी, चना, हलवा और अब इसमें हम पूरी ऐड करेंगे। तो हमारा प्रसाद बन के रेडी है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और चना, हलवा और पूरी आज हमने बनाया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।